आप सभी को याद होगा प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कुछ वक्त पहले काफी ज्यादा लाइमलाइट ग्रैब की थी अपने नाम से जोनस हटाने पर। जी हाँ, उसके तुरंत बाद ही उनके डिवोर्स की रूमर सामने आने लग गई। हालांकि इन खबरों पर प्रियंका की मॉम मधुमती चोपड़ा ने रिएक्ट जरूर किया था, लेकिन प्रियंका ने खुलकर कभी भी अपने डिवोर्स पर कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया। बट अब पहली बार प्रियंका सामने आई है और हाल ही में उन्होंने इस बारे में अपने व्यूज दिए हैं। जी हाँ, वैनिटी फेयर से बातचीत के दौरान प्रियंका ने क्या कहा है अपने डिवोर्स की रूमर्स पर, चलिए आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। हम सभी जानते हैं कि एक्टर्स की लाइफ हमेशा ही पब्लिक ओपिनियन से घिरी हुई रहती है। जनता उनकी हर तस्वीर को जूम इन जूम आउट कर काफी चीजें जो बैकग्राउंड में होती है उससे काफी कुछ गेस कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि जो पिक्चर अपलोड अगर करी जाती है तो फोकस जिस चीज पर करना चाहिए उसको छोड़कर जनता बाकी हर चीज पर इंटरेस्ट लेती है। इसी बात को दर्शाते हुए प्रियंका कहती है, इट्स वेरी वल्नरेबल फीलिंग एक्चुअली दैट इफ आई पोस्ट अ पिक्चर एवरीथिंग दैट्स बिहाइंड मी इन दैट पिक्चर इज गोइंग टू बी जूम्ड इन ऑन एंड पीपल आर गोइंग टू स्पेक्यूलेट। यानी कि जो मुद्दे की बात है, अगर हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं या गाना रिलीज कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए जनता ज्यादा एक्साइटेड रहती है। इसी बारे में आगे प्रियंका कहती है, इट्स जस्ट अ प्रोफेशनल हजार्ड बिकॉज ऑफ द नॉइज ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ द प्रिवेलेंस दैट इज हैज इन आवर लाइफ। आई थिंक इट सीम्स अ लॉट लार्जर देन इट इज। आई थिंक दैट वी गिव इट अ लॉट मोर क्रेडेंस इन रियल लाइफ एंड आई डोंट थिंक इट नीड्स दैट। जी हाँ, उसके आगे प्रियंका ये भी कहती हैं, हम दोनों ने ही अपनी लाइफ में काफी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। प्रियंका कहती हैं, वी बोथ नो दैट पब्लिक लाइफ इज समथिंग दैट कम्स विद व्हाट वी डू बट वी हैव सेट रियल बाउंड्रीज अराउंड आवर पर्सनल लाइव्स आवर प्राइवेसी एंड वर्क रियली हार्ड टू क्रिएट दैट लिटिल सेफ हेवन फॉर आवरसेल्व्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो कहीं ना कहीं प्रियंका ने तो इस बात को साफ कर दिया है कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये हम पर्सनल ही रखना पसंद करते हैं। चल, इस पे आप लोगों की क्या है राय, आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।